सो हेलो गाइस, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो इस वीडियो की वो है विदाउट माइक। मेरे कॉलर पे यहाँ पे कोई भी माइक नहीं लगा हुआ है। और गाइस, अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी है विदाउट माइक। सो इस चीज़ को मैं किस तरीके से करता हूँ इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो बिगिनर यूट्यूबर होता है उसके लिए सबसे जो मुश्किल टास्क होता है वो होता है एक बेटर क्वालिटी की वीडियो रेडी करना, वो भी एक क्लियर वॉइस के साथ। अब स्टार्टिंग में हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते जिनसे कि हम एक बेटर क्वालिटी की वीडियो रेडी कर सकें। देखिए, अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आजकल फ़ोन के जो कैमरे होते हैं उनमें अच्छी खासी हमको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर ऑडियो की बात करी जाए तो उसके लिए होते हैं लेपल माइक, जिनको हम कॉलर माइक भी बोलते हैं। सो स्टार्टिंग में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से विदाउट माइक अपनी क्लियर वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो एक बेटर क्वालिटी की वीडियो के साथ में। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उससे अपनी वीडियो और ऑडियो को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो ताकि वो आगे पीछे ना हो और एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट हो सके। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो वीडियोस हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए दो फ़ोन, एक वो फ़ोन जिसमें कि आपकी अच्छी क्वालिटी की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो सके और एक दूसरा फ़ोन कोई भी चल जाएगा जिसमें कि एक ऑडियो रिकॉर्ड हो सके। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में ऑन कर दी है और आप इस फ़ोन में देख सकते हो कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड इस फ़ोन में हो रही है। सो इन दोनों को किस तरीके से कंबाइन करना है अपने सॉफ्टवेयर एडिटिंग की मदद से, तो चलिए गाइस उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपना फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें जो है ऑडियो और वीडियो इंपोर्ट होने चाहिए। तो आपके लिए मैंने दिखाने के लिए एक वीडियो और एक ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों को कंबाइन किस तरीके से करना है एकदम एग्जैक्ट पोजिशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो लेनी है और मेन टाइम लाइन पर आपको ला के रख देनी है, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे मैच टू मीडिया इस तरीके से। अब गाइस देखिए, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इसकी अप कर देता हूँ। देखिए, ये जो ऊपर है ये है हमारी वीडियो और ये नीचे आप देखो पहाड़ से आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारी ऑडियो। ये वो ऑडियो है जो हमारे कैमरे के साथ में रिकॉर्ड हुई थी, अलग फ़ोन में नहीं, जो कैमरे के साथ में रिकॉर्ड हुई थी, ये वो वॉइस है। तो इसका भी हमको यूज़ करना है, इसका भी फ़ायदा है। वो फ़ायदा किस तरीके से है मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। देखिए, इस तरीके से पहले मैं आपको इसी वीडियो को चला कर दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख रहे होंगे इसमें कितनी कम आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत ही धीमे आ रही है। सो इसी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। अब जो मैंने अपनी फ़ोन से जो वॉइस रिकॉर्ड करी थी उसको मैं अब यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ नीचे टाइमलाइन पर। तो देखिए, इस तरीके से मेरी जो ऑडियो है वो मैंने यहाँ पे लाके सेट कर दिया है। इसकी भी वॉल्यूम हम थोड़ा अप कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ऐसे ही रहने दूँ इसको तो सारी वॉइस आगे पीछे हो जाएगी और सारी वीडियो गड़बड़ा जाएगी। देखिए, यहाँ से जो माउंटेन्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे जो हमारी ऑडियो हो यहाँ से शुरू होती है। तो इनको हमको एकदम एग्जैक्ट पोजिशन पर ला के रखना है, जहाँ पर ये है इसी के नीचे हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सारा। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो वीडियो है उसमें वेस्ट पार्ट जो है उसको कट कर देंगे इस तरीके से। मैं देख लूँगा पहले, जैसे मेरे को वीडियो यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको कर देंगे कट और जो वेस्ट पार्ट है हमारी वीडियो का उसको कर देंगे हम डिलीट, ठीक है। अब इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कर देंगे हम इस तरीके से, ओके। अब देखिए, जो ऑडियो है जहाँ से हमारी मेन ऑडियो शुरू होती है वहाँ से हमको थोड़ा सा पहले कट लगाना है इसमें ऑडियो में। यहाँ से हम लगाएंगे कट और जो वेस्ट पार्ट है इसको कर देंगे हम डिलीट, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, अब इसको आगे लाना है और जो ये यहाँ पे ऑडियो स्टार्ट होती है एग्जैक्ट उसी के नीचे ये वाली ऑडियो जो है होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा और हम थोड़ा सा साइड में करते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो हमारी वीडियो की ऑडियो है उसको कर देना है म्यूट ताकि उसकी आवाज़ ना है और हमारी जो वीडियो है एकदम अच्छी तरह से बन जाए, ठीक है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे प्ले, इसको प्ले। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो बिगिनर यूट्यूबर होता है उसके लिए सबसे जो
सो गाइस अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने एक ही बारी में ऑडियो और वीडियो को कंबाइन कर दिया है एग्जैक्ट पोजीशन पर। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से भी होता है गाइस, जैसे जैसे आप ये काम करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप एक ही बारी में बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे आप इसको सेट कर दोगे बड़ी आसानी से। सो, इस तरीके से आप ऑडियो वीडियो को कंबाइन कर सकते हो। बाकी आप देख रहे होगे जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके लिए भी मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो ऑडियो है वो इसी में रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त। तो इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो और यहाँ पे आ चुका है भवरा। सो गाइस, इसी तरीके से आप अपनी ऑडियो और वीडियो को अलग अलग शूट करके दोनों को कंबाइन करके एक बेटर क्वालिटी की वीडियो रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आती रहती हैं। सो, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।